बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। मैं हूँ फैसल शहजाद खान, गौहर इस्लामियात बुक टू के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। हमारी किताब का बाब चाहरूम, प्यारे बच्चों, इस किताब के बाब चाहरूम का उन्वान है अखलाक व आदाब, और इसका दूसरा सबक है बड़ों का अदब। आज हम इस सबक के मश्क को हल करेंगे, तो आइए चलते हैं मश्क की जानिब। सवाल नंबर एक, दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगहें पुर करें। अलिफ, इस्लाम बहुत ही डैश दीन है। जी बच्चों, बताइए जवाब क्या होगा। बिल्कुल दुरुस्त, प्यारा दीन है। बे, इस्लाम ने डैश के अदब व एहतराम पर बहुत जोर दिया है। जी हां, आपका जवाब दुरुस्त है, बड़ों के अदब व एहतराम का। जीम, इस्लाम ने उस्ताद को डैश बाप करार दिया है। आपका जवाब दुरुस्त है, रूहानी। दाल, बड़ों का अदब करने वाले हमेशा डैश होते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक, कामयाब होते हैं। हे, वालिदैन से डैश लहजे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, नरम लहजे में। सवाल नंबर दो, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालम अलिफ की पहली लाइन को कालम बे की चौथी लाइन से मिलाएंगे। इस्लाम बहुत ही प्यारा दीन है। कालम अलिफ की दूसरी लाइन को कालम बे की पांचवी लाइन से मिलाएंगे। वालिदैन का खूब अदब व एहतराम करना चाहिए। कालम अलिफ की तीसरी लाइन को कालम बे की पहली लाइन से मिलाएंगे। उस्ताद जो सबक पढ़ाएं उसे गौर से सुनना चाहिए। कालम अलिफ की चौथी लाइन को कालम बे की दूसरी लाइन से मिलाएंगे। बड़ों का अदब करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। कालम अलिफ की पांचवी लाइन को कालम बे की तीसरी लाइन से मिलाएंगे। हमें चाहिए कि हम वालिदैन, असातज़ा और बड़ों का अदब व एहतराम करें। सवाल नंबर तीन, मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, बड़ों के अदब व एहतराम के बारे में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबी वसल्लम का फरमाने मुबारक लिखें। जवाब, इस्लाम ने वालिदैन और असातज़ा के साथ साथ बड़ों के अदब व एहतराम का भी दर्स दिया है, बल्कि उन्हें छोटों के लिए बरकत करार दिया है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबी वसल्लम का इरशाद है, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। बे, बड़ों में सबसे ज्यादा अदब व एहतराम के हकदार कौन हैं? जवाब, बड़ों में वालिदैन सबसे ज्यादा अदब व एहतराम के हकदार हैं। जीम, वालिदैन और असातज़ा के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? जवाब, हमें चाहिए कि वालिदैन, असातज़ा और बड़ों का अदब व एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनसे अच्छा सलूक करें। अगर किसी वजह से नाराज हो जाएं, तो उनसे फौरन मुआफी मांगें। दाल, इस्लाम ने किन को रूहानी बाप करार दिया है? जवाब, इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया है। हे, हमें बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? जवाब, हमें चाहिए कि हम वालिदैन, असातज़ा और बड़ों का अदब करें, उनकी इज्जत करें, हर तरह उनकी खुशी का ख्याल रखें। इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी। प्यारे बच्चों, सबक तो हमने पढ़ लिया, मश्क हल कर ली, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन तमाम आदाब का अमली मुजाहरा भी करना है, बड़ों का खूब खूब अदब करना है। खसूस बिलखसूस वालिदैन और असातज़ा कराम का तो बेहद अदब करना है, उनकी बात हमेशा माननी है। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।